एकदम चला ऑनलाइन एजुकेशन पे देख सकता। कल एक नोटिफिकेशन आया था, दो चीजें यहाँ पे क्लियर कर देंगे, दोनों बिल्कुल श्योर इसी बेसिस पे होने वाली हैं। एक तो कल एक रिक्रूटमेंट आपका आउट हुआ है कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का, तो उसके बारे में थोड़े से शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है और कौन अप्लाई कर सकता है कैसे क्या। दूसरा नंबर इंडियन कोस्ट गार्ड नेवल डीवीजीडी का भी रिक्रूटमेंट का एक एक्सपेक्टेड डेट बताएंगे और उसी डेट तक आपका आ जाएगा। मैं एक्सपेक्टेड का क्या बताऊंगा, इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल पहले से ही क्लियर है और कोस्ट गार्ड इस बार थोड़ा सा अपने साथ एक फेयर नहीं हुआ लाइक अपने लोगों के साथ में, आप लोगों के साथ में, मेरे साथ में दो रिक्रूटमेंट साल में आते थे, वो दोनों मतलब एक ही आया इस बार 2022 पे। इस बार लेकिन 2022 में अगर रिक्रूटमेंट की बात करूँ, लगभग 3 इनटेक एयरफोर्स के आने वाले, लगभग 3 इनटेक, 2 नेवी के बिल्कुल पक्के हैं, 2 कोस्ट गार्ड के पक्के हैं, ठीक है। तो लगभग 6-7 अटेम्प्ट जो भी अच्छे से अगर प्रिपरेशन करेगा किसी न किसी एक में हो जाएगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं BASF, CRPF, CAPF वो अलग मिलते रहता है। चलो तो पहले तो मैं आपको डेट बता दूं कि आपका नेक्स्ट रिक्रूटमेंट, देखो आपका ये असिस्टेंट कमांडेंट का है कोस्ट गार्ड पे, और इसके बाद यहाँ पे 25 जनवरी से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा और 9 फरवरी तक आपका फॉर्म फिलिंग चलने वाला है। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग होगा इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप इंडियन हो फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद अगर एज की बात कर लेते हैं, इसमें भी GD होता है जनरल ड्यूटी और इसमें होता है कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस SSA, ठीक है। आगे आपका एज कितना होना चाहिए, 1998 से लेके 30 जून 2002 के बीच में आपका एज होना चाहिए। 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा अगर आप यहाँ पे सर्विस करते हैं। अगर इस पोस्ट के लिए बात कर लेते हैं कॉमर्शियल पायलट के लिए, तो 1998 से लेके 2004 के बीच में आपका एज होना चाहिए, यहाँ पे जुलाई से लेके जून तक वो चीजें मेंशन की है। इसके लिए अगर बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो एलिजिबिलिटी में आप देख सकते हो आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, ओके। उसके बाद यहाँ पे और भी सेकेंड ऑप्शन है, मतलब ये दोनों चीजें मैंडेटरी है, ओके। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट और क्लास 12th ऑफ 10+2+3 स्कीम ऑफ एजुकेशन रिक्वायरमेंट विद 55% एग्रीगेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा आर आल्सो एलिजिबल, मतलब जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। आपका ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स मैंडेटरी रखे गए हैं। यहाँ पे ये नीचे वाली सेकंड वाली पोस्ट तो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी है, उसमें उनका 55% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है। आगे टेक्निकल मैकेनिकल के लिए पोस्ट है, टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट है, 60% मार्क्स देखो यहाँ पे मैंडेटरी है हर एक पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन में, एंट्री के लिए पोस्ट होने वाली है। आगे और भी चीजें शेयर करने से पहले आपको बता देता हूं कि आप जो अपने से बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं, देखो नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी आप सभी के पास कल ही मैंने पहुंचा दिया था जब नोटिफिकेशन आया था। दूसरा नंबर आपका जो नाविक DB और GD का रिक्रूटमेंट का जो भी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, इसी महीने के एंड पे, इसी महीने जो महीना आपका चल रहा है ना, इसी महीने के मैक्सिमम आपका मैं बोलूं तो 28 तारीख तक आपका नोटिफिकेशन आपके पास होगा और आपका एग्जाम जो होने के चांसेस है वो आपका मिड मार्च में आपका पेपर होगा, मिड मार्च में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी इसके लिए भी रेडी रहें। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक DB GD की बात करें, इसी महीने पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर से बोल रहा हूँ इसी महीने पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, प्रिपरेशन जोनों से शुरू कर दीजिए, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसी महीने पे आ जाएगा, ठीक है। ये बोलोगे भाई इतना श्योर कैसे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही बोलो, आप ऑफिशियली अभी इतना टाइम नहीं है कि आपको एक एक चीज जाके दिखाएं, लेकिन ऑफिशियल को चीज मेंशन की गई है, मतलब कि टाइम मेंशन किया गया है, ओके, कि कब कब आपका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। चलो तो सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे क्या होता है वो भी शॉर्ट में बता देता हूँ। उससे पहले देखो आप सभी अगर ऑनलाइन मॉक लगाना चाहते हो तो आप सभी के लिए परीक्षा एप्लीकेशन पे एग्जाम रिलेवेंट है, वो नेवी के लिए हो, एयरफोर्स के लिए हो, कोस्ट गार्ड के लिए हो, हर एक एग्जाम के लिए मॉक आपके अवेलेबल है। तो देखो सबसे बेहतर क्या होगा, आपको करना क्या होगा, परीक्षा एप्लीकेशन पे आ जाना होगा जो यहाँ पे है, ठीक है। और देखो यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ऑलरेडी मैंने एयरफोर्स नेवी के कुछ टेस्ट बाय भी कर रखे हैं, अगर आप बोलोगे तो कोस्ट गार्ड भी करके आपको दिखा देंगे। नाविक DB GD के लिए होने वाले अनलॉक सीरीज पे हम क्लिक करते हैं, अनलॉक नाउ पे क्लिक करते हैं, कूपन कोड यहाँ पे फिल करते हैं, ऑनलाइन D50 और अप्लाई कोड पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही किया देखो यहाँ पे 175 इसका प्राइस हो गया, अब हम रिमूव मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, एयरफोर्स नेवी किसी भी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट यहाँ पे लगा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी है तो जरूर आप कमेंट में मुझसे आज कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन ऑलरेडी आपका टेलीग्राम पे अवेलेबल है। अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका पेपर होगा, ये देख सकते हो 400 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, मीन्स पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। स्टेज फर्स्ट आपका पेपर होगा, इसमें पेपर का सिलेबस कुछ इस तरह से यहाँ पे मेंशन किया गया है अलग अलग पोस्ट के लिए। अगर एक पोस्ट की बात कर लेते हैं GD के लिए स्पेशली, तो इंग्लिश 25 मार्क्स का, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 मार्क्स का, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का, और GK आपका 25 मार्क्स का। 2 घंटे का टाइम मिलेगा, मीन्स टाइम काफी रहने वाला है क्योंकि GK और ये
तीन सेक्शन में टाइम ही कहाँ लगना है, बस इसी में टाइम लगना है, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मान लो इन दोनों में टाइम लगेगा, दो में नहीं लगेगा, फिर भी 2 घंटे 120 मिनट ठीक ठाक होते हैं, ठीक है। इसका सेकेंड आपका पीएसबी होगा, मतलब वो मान लो जैसे एसएसबी होता है वैसे इनका पीएसबी होता है, इंटरव्यू टाइप का होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्टेट फाइनल सिलेक्शन बोर्ड एफएसबी, मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर कैसे क्या सारी सारी रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात कर लेते हैं, तो विद इन 30 डेज आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये चीजें होने वाली है, जो भी कैंडिडेट पोस्ट के लिए एलिजिबल हो डेफिनेटली आप फॉर्म को फिल करिएगा और अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। कोई डाउट आ रहा हो तो आप कॉमेंट में मुझसे जरूर आस्क कर सकते हो, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक का भी ऑप्शन है, मन आए तो कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।